हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पारा लीगल स्टडी इन दिस लेक्चर वी विल एनालिसिस आवर सिक्स यूनिट दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी वैल्यू एंड सर्विसेज सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेशन पार्ट तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था कहाँ पे रियो दे जनेरियो ये ब्राज़ील में ये जगह है वहाँ पे तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी को ले क्या बोला उन्होंने कहा कि का मतलब ही है वेरिएबिलिटी किसके रूप में सिंपल है लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करें टेरिस्टेरियल मैराइन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट सिंपल से आप इसको रटो मत अर्थ समिट जो हुई ब्राज़ील में मीनस रियो द जनेरियो ब्राज़ील में हुई थी अर्थ समिट उसमें बायोडाइवर्सिटी को डिफ़ाइन किया गया और उसमें कहा गया कि एक पर्टिकुलर कोई एरिया है उसमें कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज मौजूद हैं कितने टाइप का वहाँ पे किस तरीके का इको एक, सिस्टम है कौन कौन से ऑर्गेनिज़म हैं पेड़ पौधे हैं तो ओवरऑल ये जो डाइवर्सिटी है उसको अग, अगर हम बोलें मीन्स जो इकोसिस्टम और हम बात करें फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी डाइवर्सिटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी के रूप में ही काउंट करते हैं तो बायो मतलब क्या है बायो मतलब सिंपल इकोसिस्टम से रिलेटेड जो पार्ट है और डाइवर्सिटी मतलब जो भिन्नताएं होती हैं सो so, ये एक बेसिक सी चीज़ हुई इसको अगर सिंपल डेफिनेशन में आपको देखना हो तो क्या है बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ एंड इन लिविंग नेचर सिंपल है जैसे एक पर्टिकुलर कोई एरिया है वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जीव जंतु हैं बहुत सारे मैमल्स एनिमल्स बर्ड्स ठीक है बहुत सारी जो चीज़ें यहाँ पे डाइवर्सिटी के रूप में अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में हैं तो वो पर्टिकुलर एरिया कहलाएगा बायोडाइवर्सिटी फाइड और इंडिया जो है वो आपको पता है इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो मीन्स अगर हम बात करें तो इंडिया एक काफ़ी रिच इन बायोडाइवर्सिटी के रूप में कंट्री आप उसको एग्जाम्पल में नोट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है और इसमें अगर हम बात करें कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो थ्री लेवल ऑफ डाइवर्सिटी हमें देखते हैं जेनेटिक स्पेसिस एंड एकोसिस्टम नाम से ही समझ आ रहा है फ्रेंड्स बहुत सिंपल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है जैन जीन क्या होते हैं फ्रेंड्स तो सिंपल है कि फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी हम उसको कह सकते हैं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज आल्सो नोन एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ डाइवर्सिटी आप इसको एक नंबर में ध्यान रखें पूछ सकते हैं और इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ द सेम स्पीसीज जैसे देखो मैंगो की बहुत सारी वैराइटी आपने देखी होंगी सुनी होंगी इवन खाए भी होंगे आपने मैंगोज को अलग अलग वैराइटी में जो राइस की वैरायटी भी आपको बहुत सारी मिल जाएगी तो बस जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि कोई सेम स्पीसीज़ है जैसे मैंने कहा एक मैंगो है राइस है ये इसके अंदर फिर बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ होना उसको बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल करेंसी ऑफ द डाइवर्सिटी और नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्पीसीज डाइवर्सिटी तो स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज़ है वो डोमेस्टिकेटेड भी हो सकता है वाइल्ड स्पीसीज़ भी हो सकते हैं उसके अंदर फिर बहुत सारी वैराइटीज़ uh, uh, में सिंपल से हम बात करें कि स्पीशीज़ का मौजूद होना जैसे अगर आप इससे नहीं समझे तो एक एग्जाम्पल से आ जाओ जैसे मैमल्स जो है तो पर्टिकुलर मैमल्स एक अगर हम बात करें स्पीशीज़ है उसमें देखो करीब साढ़े चार हज़ार स्पीसीज़ मैमल्स की मौजूद हैं बर्ड्स एक कैटेगरी हमने बांट दी उसमें दस हज़ार से ज़्यादा स्पीसीज़ बर्ड्स की मौजूद हैं तो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स जो है उसकी बारह हजार से ज्यादा स्पेसीज़ हैं तो सिंपल सी बात है जैसे मैमल्स बर्ड्स है ना और ऐसे और भी आगे हैं जैसे फिश ले लो जिसमें भी बहुत सारी स्पेसीज़ जो हैं उसकी मौजूद हैं तो ये जो है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी नेक्स्ट ये सारा फ्रेंड्स आपको रटना नहीं है बेसिक डेफिनेशन के रूप में आप थोड़ा ध्यान रखें नेक्स्ट है इको डाइवर्सिटी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मींस दैट आर वेरिएशन बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जैसे आपका डिफरेंट एनिमल्स हैं डिफरेंट प्लांट हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे से एक पर्टिकुलर फिज़िकल इन्वायरमेंट में ये हुआ दूसरा अगर हम बात करें कि एको सिस्टम डायवर्सिटी का मतलब ही है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के एको सिस्टम मीन्स आपको वहाँ पे नेचुरल uh, जो एक्वेटिक चीज़ें भी मिलें ठीक है इसके अलावा आपको टेरिस्टेर टेरिस्ट्रियल जो मीन्स ज़मीन पे जो रहते हैं जो जीव जंतु वो सब भी मिलें इसके अलावा अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे भी आपको बहुत सारे मिलें और अदर टाइप के माइक्रो ऑर्गैनिज़म भी मिलें तो कंप्लीट आप कह सकते हो मिक्सचर जो अगर हम देखें उसको बोलते हैं एकको डाइवर्सिटी सो ये तीन टाइप के डाइवर्सिटी आप ध्यान रखें जेनेटिक uh, स्पेसिस एंड इको सिस्टम डाइवर्सिटी जस्ट अट एक और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो क्या है देखो कि uh, यहाँ पे आ जाओ देखो uh, ये जो पार्ट है आपको ये डायग्राम से क्या दिख रहा है आप सोच के देखो डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड आपको दिख रहा है और ये जो है ये आपको कैसा दिख रहा है कि डाइवर्सिफाइड जो है ये थोड़ा कम दिखेगा आपको सिंपल सी हम बात करें कि दिस एको सिस्टम इज़ द स्मॉल इको सिस्टम एंड दिस इज़ नॉट सो डाइवर्सिफाइड बट ये अगर इको सिस्टम है तो इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक है एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं और इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हमें दिखाई देती हैं तो ये जो स्पी uh, मीन्स जो डाइवर्सिटी uh, का जो पार्ट है ये कॉम्प्लेक्स है और इसी को आप इको सिस्टम डाइवर्सिटी बोल सकते हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स द बायो जियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया तो इस चैप्टर में ना शुरुआत uh, में मीन्स अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ जस्ट अ मिनट ये देखो स्टार्टिंग में अगर अगर हम देखें तो बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन देखी लेवल ऑफ़ बायोडाइवर्सिटी देखा और ये जोन है इसमें मतलब इंडिया जो है वो अपने आप में एक बायोडाइवर्सिटी के रूप में बेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो क्योंकि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मात्रा में हमारे यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मौजूद है तो बायोडाइवर्सिटी के जोन अगर इंडिया के संदर्भ में हम देखें तो दस जोन में हम उसको बांटते हैं मीन्स ट्रांस हिमालयाज़ एक पार्ट हो गया फिर हिमालय का एक पार्ट हुआ इंडियन डेजर्ट सेमी एरिड वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेटो गंगाटिक प्लेन नॉर्थ ईस्टर्न जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आइलैंड कोस्टल एरिया इसका मतलब क्या है वो हम समझेंगे आगे जस्ट मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूं कि बायोडाइवर्सिटी के रूप में इंडिया जो है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्योंकि हमारे यहां हर तरीके की डाइवर्सिटी मौजूद है ठीक है तो उसको वन बाई वन अब हम देखते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले अगर हम चलते हैं आ, वो है अच्छा एक और बस छोटी सी एक और चीज़ यहाँ पे जो बायोजियोग्रोफिक जोन इंडिया के जो ये दस जोन की हमने बात की तो इसमें अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंडिया को इस जोन में बांटा तो उसमें डब्ल्यू ए रोड रोडजर्स एंड एच एस पनवर ये थे जिन्होंने कहा कि इंडिया जो है उसको टोटल दस बायो, जो, बायो जियोग्राफिक जोन में हम उसको डिवाइड करते हैं तो ये ये आप अगर आप वहाँ पर टिक करने में अगर कुछ आ जाए तो बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि डब्ल्यू ए कुछ करके था और एच एस ऐसे मतलब तो थोड़ा तिकड़म बाजी पूरा नाम आपको रटने की ज़रूरत नहीं है तो पहला जो, जो जोन है फ्रेंड्स वो देखते हैं ट्रांस हिमालयाज इसका क्या मतलब है देखो इसका मतलब है कि साढ़े चार हज़ार से ऊपर की जो हाइट है ना वो आएगा इसमें ट्रांस हिमालज वाले रीजन में इसमें मैप में आप देख सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो ये आ, ये जो बिल्कुल ऊपर मीन सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे है ठीक है लद्दाख स्काईचिन ये जो मीन्स ये जो रीजन बिल्कुल टॉप रीजन पे ये है ट्रांस हिमालय उसके नीचे वाला जो पार्ट है वो फिर आएगा हिमालयन वाला ठीक है तो यहाँ पे जो ट्रांस हिमालियाज है उसका मतलब साढ़े चार हज़ार से ऊपर की जो हाइट है वो ट्रांस हिमालियाज है और वहाँ पर मेनली लद्दाख लाहौ स्पीति सियाचिन ग्लेशियर ये सारे पॉइंट्स आपके मौजूद हैं अब देखो अब आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा कि इसमें जो ये एनिमल के नाम हैं क्या ये सारे रटें देखो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बता दूँ अगर हैं आप बाहुबली ठीक है ना बाहुबली कौन स्टूडेंट्स होते हैं बाहुबली वो होते हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ उखाड़ फेंकेंगे हम सब कुछ याद कर लेंगे तो अगर आप वो हैं तो भाई आप याद कर सकते हैं और ऐसे लोगों को मैं आ, सलाम करता हूँ लेकिन अगर आप हो नॉर्मल स्टूडेंट ठीक है मैं भी नॉर्मली हूँ तो उसी अगर हम जो कैटेगरी के जो लोग हैं ना तो भाई हम बाहुबली तो है नहीं ठीक है कि हम सांड से लड़ लेंगे हाथी को गाढ़ फेंकेंगे ऐसा तो है नहीं ना तो सिंपल सी बात है हमारी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए और हमारी स्ट्रेटजी क्या कहती है कि हमारी स्ट्रेटजी कहती है कि ट्रांस हिमालयस के बारे में हमने बेसिक सी चीज़ें देख ली उसके बाद अब ये आपको जो नाम है ना ये सारे नहीं रटने हैं आप यहाँ पर आ जाइए एक बार ये देखो तो इसमें इस सारे वेराइटीज़ के आपको नाम दे रखे हैं अब ये पॉसिबल ही नहीं है क्यों नहीं है पॉसिबल क्योंकि हम बाहुबल ही नहीं है तो सिंपल सी बात है हम क्या करेंगे हम एक आइडिया सा ले लेंगे अच्छा कि जैसे वाइल्ड याक ठीक है सुना सुना नाम लग रहा है थोड़ा थोड़ा तिब्बतियन एस नाम सुना सुना लग रहा है तिब्बत से रिलेटेड कुछ है इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आ जाओ आप उरेल ठीक है ये अगर पता नहीं आपने सुना या नहीं बट मैंने इसको सुना है तो ये मिस आप सिंपल से मैं पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूँ कि ऐसे आपको ये भयानक नाम वो पूछेंगे नहीं बेसिक बेसिक सा थोड़ा सा हमने हल्की सी नज़र भी अगर फेर ली एक बार तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सच में आता है तो हम इजीली वहाँ पे उसको आंसर कर सकते हैं तो जैसे तिब्बतियन से थोड़ा सा याद रख लेना वाइल्ड याक से याद रख लेना उरियल ये कुछ आपको एनिमल्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट है फ्रेंड्स अब हिमालयन हिमालयन जो रेंज है वो देखो ऊपर जो हमने ट्रांस हिमालय की बात की थी वो साढ़े चार हज़ार से ऊपर की थी ठीक है इसमें अगर हम बात करें तो करीबन अब साढ़े चार हज़ार से नीचे आ जाओ मीन्स वो जो, जो हाइट थी देखो वापस चलते हैं एक बार साढ़े चार हज़ार से छः हज़ार तो साढ़े चार हज़ार से ऊपर की हाइट में है ट्रांस हिमालय तो साढ़े चार हज़ार से अब नीचे आ जाओ है ना तो साढ़े चार हज़ार से नीचे अगर आए तो करीबन आप ले सकते हो तीन हज़ार है ना तो वही है देखो कि तीन से तो तीन साढ़े तीन हजार मीटर और इतनी से ले कर साढ़े चार हज़ार इसके बीच जो पूरा रेंज है वो हिमालयन रेंज है और ये याद रखना फ्रेंड्स किलोमीटर आप ध्यान से पढ़ना ये तो ये बोल रहा है कि जो वेस्टर्न हिमालय की जो माउंटेन रेंज है वो करीबन 2000 किलोमीटर है ईस्ट से वेस्ट तो ये हाइट की बात नहीं कर रहा है कई स्टूडेंट इस इसको गलत तरीके से पढ़ते हैं देखो, देखो देखो बता देता हूँ आपको ये यहाँ पे बात कर रहा है कि हिमालय जो है अगर हम ईस्ट ये ईस्ट है ये वेस्ट है अगर ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखें तो करीबन दो हज़ार किलोमीटर में ऐसे हिमालयन की रेंज फैली हुई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा कुछ भूटान वाला रीजन ठीक है इसके अलावा सिक्किम आसाम अरुणाचल प्रदेश से मैंने बताया नेपाल फिर उत्तराखंड ऐसे तो ये जो दो है ना ये हाइट नहीं है फ्रेंड्स ये तो उसका एक्सटेंट बता रहा है कि कितने एरिया में फैला हुआ है तो 2000 हज़ार मतलब ईस्ट से वेस्ट करीबन हिमालय माउंटेन रेंज है वो 2000 किलोमीटर तक ऐसे फैली हुई है लेकिन मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पे हाइट के बारे में मैं बात कर रहा था कि ट्रांस हिमालय जो है वो साढ़े चार हज़ार मीटर से ऊँची हा वाली हाइट के ऊपर है तो उससे साढ़े चार से थोड़ा नीचे आ जाओ तो मीन्स आप कह सकते हो कि मोटा मोटा रफली साढ़े से साढ़े कि बीच वाला जो पार्ट है वो ये हिमालयन रेंज इसको आप इसमें काउंट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम बात करें कि हिमालयन जो, जो जोन है वो वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया है देखो अब ये हमारे काम का है अगर मान लो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि हिमालयन है एक ठीक है ट्रांस हिमालय है ऐसे और उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि रिचेस्ट एरिया बताओ हैबिटेट के लिए स्पेसिस के लिए आप तो ध्यान रखें ट्रांस हिमालय नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स साढ़े चार हज़ार से ऊंची उच, ऊंचाई पे हाइट पे जाओगे तो भाई मर जाओगे वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं सर्वाइव करना इसीलिए वो एनिमल के नाम मैंने कहा कि सारे नहीं रटने बेसिक से ध्यान रख लो बाकी वहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन अब थोड़ा नीचे हिमालय में आ जाओ तो क्योंकि हिमालय में आप देखोगे तो पूरा नो no डाउट ठंड हिमालय में भी है लेकिन वहाँ पे जंगल बहुत है पहाड़ बहुत हैं तो वहाँ पे आपको डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू द ट्रांस हिमालय ये हमारे काम का हो गया दूसरा अब देखो यहाँ पर भी सेम है आपको एक चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलना इस चैप्टर को याद करते दौरान कि हम क्या नहीं हैं हम बाहुबली नहीं हैं हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए हमें सारी चीज़ें नहीं रटनी हैं इसमें बस आप वो ध्यान रख लो जो थोड़ा बहुत आपने कभी देखा हो जैसे अगर हम बात करें कि चिरपाइन ये तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स ठीक है चिरपाइन जो है वेजिटेशन इसके अलावा जस्ट ए मिनट ओक आप ले सकते हो ब्लू पाइन ले सकते हो तो ये कुछ हल्के फल के uh, हल्के फुलके नाम हैं पाइन से आप ध्यान रखना यहाँ पे पाइन है जैसे ब्लू पाइन ठीक है चीर पाइन ओक तो ये कुछ आपके वेजिटेशन है जो कहाँ पे मिलते हैं uh, हिमालयन जोन में ठीक है जस्ट uh, मिनट हाँ तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बाकी नहीं अच्छा अब इसमें भी अगर हम थोड़ा सा देखें क्योंकि हिमालयन जो रेंज है ना वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है मीन्स हिमालयन जो रेंज है तो उसके अलग अलग हिस्से हैं जैसे उसमें ये वेस्टर्न जोन सेंट्रल जोन ईस्टर्न जोन तो हिमालय वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा फ्रेंड्स आप ध्यान रखना बिल्कुल भी नहीं पूछेगा आपसे जितनी पॉइंट मैंने आपको बताया है एक तो हाइट से रिलेटेड एक मैंने इस से वेस्ट दो किलोमीटर में फैला हुआ है ये मैंने बोला आपको और दूसरा मैंने पॉइंट बताया कि रिच रिचेस्ट एरिया है ये हैबिटेट और स्पीसीज डाइवर्सिटी कैपेसिटी के लिए और थोड़ा बहुत जो मैंने आपको ये वेजिटेशन के नाम बताए हैं बस इतना आप ध्यान रखना इससे ज़्यादा फ्रेंड्स आपका काम का है भी नहीं ना वो पूछेगा ठीक है आगे आते हैं अब इंडियन जेड डेजर्ट थर्ड जो, जो जोन है तो इसमें देखो इसमें जो वेस्टर्न गुजरात है वेस्टर्न राजस्थान है कुछ सम पार्ट ऑफ पंजाब हरियाणा वो इस जोन में आ जाएगा और इसमें जो फेमस है थर्ड थर्ड डेजर्ट जो है ठीक है वो इसका पार्ट है इसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो डेजर्ट है मीन्स द वाइल्ड लाइफ ऑफ द इंडियन डेजर्ट उसमें क्या क्या है तो भाई देखो ज़्यादा पेड़ पौधे तो उसमें होते नहीं तो जैसे डेजर्ट कैट है डेजर्ट फॉक्स है थार डेजर्ट तो डेजर्ट से ही सारे तिकड़बाजी से आप उसको याद कर सकते हैं कि अच्छा डेजर्ट अगर आगे जुड़ा हुआ है तो वो डेजर्ट से रिलेटेड कुछ आपके एनिमल्स मौजूद हैं पेड़ पौधे ज़्यादा मिलते नहीं और क्योंकि बारिश यहाँ पर होते नहीं है तो बेसिक सी चीज़ें हैं अब आते हैं फोर्थ जोन द सेमी एरिड का क्या मतलब है तो सेमी एरिड का मतलब होता है कि करीबन पंद्रह परसेंट ऑफ द टोटल एरिया हमारे कंट्री जो है वो सेमी एरिड के जोन में आता है और सेमी uh, एरिड का मतलब ये है कि मिडल पाथ एक तरीके से ना ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है बीच बीच का तो सेमी एरिड उस रूप में आप उसको देख सकते हो और सेमी एरिड जो है दिस जोन इज़ है स्ट्रॉन्गली बायोलॉजिकल लिंक विद वेस्टर्न एशिया प्राइमली विद पाकिस्तान ईरान ईरान और इन सब से भी इसका काफ़ी मीनस सेमी एरिड जो जोन जो है उसमें हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान ईरान ये सब हमारे वेस्ट में ही पड़ते हैं इंडिया के वेस्ट में तो वहाँ पर ये सेमी एरिड जोन है वो काफ़ी मौजूद है इसमें भी फ्रेंड्स आपके सारे ये नाम आप याद कर भी नहीं सकते तो बेसिक सा अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो जैसे नील गाय ठीक है ये आप जरूर ध्यान रखें सेमी एरिड का ही पार्ट है और यही बस हमारे काम का है फ्रेंड्स बाकी तो हम याद कर भी नहीं पाएंगे वो पॉसिबल भी नहीं है ना वो पूछेगा इतना ठीक है बस एक चीज मैं आपको थोड़ा बता दूँ सेमी एरिड को ना आप मैप में जरूर देख लें एक बार आपको जस्ट मिनट ये देखो कहाँ पे गया सेमी एरिड ये रहा ठीक है ये थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है बट कोई नहीं आप अपनी बुक में देख लेंगे तो ट्रांस हिमालय मैं आपको सबसे ऊपर बता चुका उससे नीचे हिमालय बता चुका फिर मैं डेजर्ट की भी बात कर चुका ये जो पार्ट है जो येलोइ डार्क येलो दिख रहा है और सेमी एरिड जो, जो, जो जोन है देखो ये राजस्थान के साइड में ही लगता है ये जो पार्ट है ठीक है और इसके अलावा जो वेस्टर्न फिर मैंने कहा पाकिस्तान ईरान इस साइड अगर जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं तो यहाँ पे सेमी एरिड है और इसमें नील गाय बस आप थोड़ा सा ध्यान रखें यहीं पे एक बार थोड़ा मैप और देख लेते हैं उसे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जैसे वेस्टर्न घाट है ना तो ये ईस्टर्न घाट है फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल की साइड और ये जो है लक्षद्वीप एंड अरेबियन सी की तरफ है वेस्टर्न घाट तो आप ये रीजन ध्यान रखें एक डेकन प्लेटू डेकन ये जो सेंट्रल जो पार्ट है फ्रेंड्स यहाँ से और जो नीचे तक चले जाओ ये पूरा डेकन प्लेटो है गंगा प्लेन ये गंगा जो है उसके से लेके कर यूपी बिहार और इस तरीके से आप वेस्ट बंगाल में होते हुए आ जाओ ये गंगाटिक प्लेन है नॉर्थ ईस्ट है फ्रेंड्स तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है नॉर्थ ईस्ट जो हम बोलते हैं वो नॉर्थ ईस्ट है और इसके अलावा आइलैंड ये देखो अंडमान निकोबार लक्षद्दीपिया आइलैंड है ठीक तो यहाँ पे मैप अगर आपको समझ आ गया तो क्लियर हो गया दोबारा मैं बता एक बार मैप रिवाइज़ करवा देता हूँ ट्रांस हिमालय सबसे ऊपर फिर नीचे यहाँ इस साइड से लेके पूरा इस इस्ट ईस्ट तक आ जाओ यहाँ अरुणाचल प्रदेश और ये तो ये जो है हिमालयन रेंज है ये येलोइश जो मैंने आपको बताया ये क्या है डेजर्ट फिर उसी के लगता है ये जो है सेमी एरिड है ये वेस्टर्न घाट इस साइड ये डेक्कन प्लेट ये गंगेटिक प्लेन ये नॉर्दन ईस्टर्न एंड ये है कोस्टल अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप तो ये देखो अगर आपको कोई मैप अच्छे से हो गया तो दस जो बायोग्राफिकल जो, जो जोन है वो हमारे यहीं पर क्लियर हो जाएंगे तो उसमें मैं आपको ये हिमालय ये सब मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं नेक्स्ट जस्ट जस्ट अब आ जाओ वेस्टर्न घाट पे ठीक है वेस्टर्न घाट में आपको ऊपर दिखा चुका मैप में तो वेस्टर्न जो घाट है वो मेजर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं आप ध्यान रखें क्योंकि उस एरिया में बारिश काफ़ी होती है केरल साइड में आप देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल हरियाली आपको मिलेगी ठीक है ना तो एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है वो उस रीजन में मौजूद है ये एक आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है दूसरा ये जो है ये वेस्ट में साइड है तो इसीलिए इसका नाम वेस्टर्न कोट कोस्ट है मीनस वेस्टर्न घाट है और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखें कि अबाउट टू थर्ड ऑफ इंडियाज प्लांट मीन्स अगर टोटल अगर हम बात करें जैसे सो पौधे हैं सो प्लांट एक रेशो निकालने के लिए तो उसका टू थर्ड है ना टू थर्ड जो मेजोरिटी है मीन्स प्लांट्स की वो इसी रीजन में मिलती है इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी बोलते हैं अब ध्यान रखना है इसको क्वेश्चन इससे ज़रूर आ सकता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कौन सा है तो आप तुरंत आप उसमें करेंगे वेस्टर्न घाट ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है और ध्यान रखना ट्रॉपिकल एवरग्रीन फ़ॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी फ्रेंड्स मौजूद होती है क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है तो नमी रहती है फिर गर्मी भी होती है और ये सब जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं बायोडाइवर्सिटी को फलने फूलने में तो वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हम बोलते हैं और इसके अलावा जैसे ये कुछ स्पीसीज़ के नाम हैं जो वहाँ पे वेस्टर्न घाट में मौजूद हैं तो ये सारे स्पीशीज़ आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाएंगे ना ही इसकी ज़रूरत है ना ही वो आपसे पूछेंगे बस कुछ स्पीशीज जो हमारे काम की हैं जैसे टाइगर है ठीक है और लियोपार्ड है एलिफेंट है और ये कुछ कुछ बेसिक आप इसको थोड़ा सा देख सकते हैं नीलगिरी थार है ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर मौजूद मिलती हैं नेक्स्ट है फ्रेंड जो नेक्स्ट जोन है वो है डेक्कन डेक्कन में भी आपको दिखा चुका था एमपी सेंट्रल इंडिया से लेकर नीचे पूरा आ जाओ आप तमिलनाडु तक वो डेक्कन प्लेटो का ही पार्ट है तो दिस जोन कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया दैट इज़ फोर्टी देखो फ्रेंड्स अब इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे आपको पढ़ना होता है अगर क्वेश्चन आ रहा है कि जो दस जोन है उनमें से लार्जेस्ट जोन कौन सा है तो है डेक्कन पेंसुला है ना या डेक्कन जो मैंने कहा पार्ट अगर आपसे पूछ रहा है कि जो प्लांट के रूप में स्पीसीज के रूप में जो डाइवर्सिफाइड है वो कौन सा रीजन है तो एवरग्रीन ट्रॉपिकल वारा दैट इज वेस्टर्न घाट ठीक है और एक और चीज़ जो हमने देखा था कि ओवरऑल डाइवर्सिटी के रूप में अगर हम देखें तो हिमालयन रेंज भी जो है वो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है तो वन ऑफ द मेजर डाइवर्सिटी वहाँ पे हिमालय रीजन में आपको मिलती है तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है उस हिसाब से आपको आंसर करना है तो जल्दबाजी वहाँ मत करना ठीक है तो डेक्कन जो प्लेटू है वो सबसे ज़्यादा एरिया को कवर करता है फोर्टी परसेंट को और इसमें अगर हम बात करें सेम स्पीसीज़ जो हैं वो कौन कौन सी मौजूद हैं तो जैसे डियर है और वही नील गाय ठीक है इसके अलावा सांभार और चीताल ये कुछ जो हैं आप डेक्कन जो पेंसुला है वहाँ पे ये सब स्पीसीज़ मिलती हैं एलिफेंट भी मिलता है वाइल्ड बफेलो तो ये कुछ थोड़ा बहुत आप देख लेंगे दो तीन दो तीन ही आपको देखना है नेक्स्ट गंगेटिक प्लेन में आपको दिखा चुका गंगा पूरा यूपी बिहार और फिर उस साइड आप चले जाओ तो मोस्ट फर्टाइल है देखो यहाँ ये फ्रेंड्स मैं बार बार बोल रहा हूँ आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान दें आप ये रटे मत ये नाम ये सब नहीं पूछेंगे आपसे वैसे पूछ सकता है कि मोस्ट फर्टाइल एरिया कौन सा है तो गंगेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा एरिया को कवर कौन कर रहा है डेकन प्लेटो प्लांट सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स की वैरायटी हो वो कहाँ पर मिलती है वेस्टर्न घाट में ओवरऑल डाइवर्सिटी कहाँ पे मिलती है हिमालयन रीजन में ऐसे ठीक है कहाँ पे सबसे डाइवर्सिटी कम मिलेगी ऑफ कोर्स जो डेजर्ट रीजन है जो हमने देखा राजस्थान और उस वाला पार्ट है ना तो ये आपको इस रूप से इनको समझना होगा तभी आपका आंसर जो है बढ़िया जाएगा तो ये गंगाटिक प्लेन का आपको ध्यान रखना है कि मोस्ट फर्टाइल एरिया है और यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो डेंस ह्यूमन पॉपुलेशन और इसके अलावा वहाँ पे खेती भी, भी बहुत अच्छी मात्रा में होती है क्योंकि बेस्ट टाइप की जो सॉयल है वो वहाँ पर मिलती है गंगेटिक प्लेन में अब नॉर्थ ईस्ट रीजन में आ जाओ फ्रेंड्स तो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वो हमने देखा उसमें ब्रह्मपुत्र रिवर उस साइड बहती है आपको पता ही है तो ब्रह्मपुत्र वैली जो है वो एक यूनिक वेजिटेशन वहाँ पे प्रोवाइड करता है तो ग्रास लैंड वहाँ पर बहुत मिलेंगे फॉरेस्ट वुड लैंड ये सारी चीज़ें इसके अलावा जैसे होग डियर ठीक है और ये कुछ स्वाम्प डियर ये कुछ नाम है जो वहाँ पे मौजूद होते हैं बट मेन चीज़ है नॉर्थ ईस्ट में मैंने आपको जो बताया एक तो ब्रह्मपुत्र रिवर को आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर के आसपास वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी और दूसरा ग्रास लैंड फ्रेंड्स क्योंकि घास के मैदान अगर आप देखोगे तो वो आपको ये वेस्टर्न घाट में और डेक्कन में यहाँ पर नहीं मिलेंगे तो ग्रास लैंड मीन आपको मैं पॉइंट आउट क्या करना चाह रहा हूँ पॉइंट आउट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि एनिमल प्लांट स्पीसीज के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि कुछ कुछ स्पीसीज कुछ कुछ एन एनिमल तो आपको हर जगह मौजूद मिलेंगे आपको यूनिक पार्ट देखना है तो नॉर्थ ईस्ट का जो यूनिक पार्ट है वो है ग्रास लैंड ठीक है और वुड लैंड ये पॉइंट आपको पकड़ने हैं नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड आइलैंड में आ जाओ हुआ तो आइलैंड में अंडामैन निकोबार है ठीक है बंगाल की साइड लक्षद्वीप है हैबीन सी की साइड ये आपको सबसे पहले तो ये पता हो दूसरा अगर हम बात करें कि पंद्रह हजार स्पीसीज मान लो फूलों की ये फ्ल, फ्लॉरिंग जो प्लांट्स है वो इंडिया में मौजूद हैं तो उसमें से करीबन ढाई हजार इन्हें आईलैंड में मिलती है तो देखो इसका क्या यूनिक अब क्या निकल के आया आइलैंड का फूल फ्लावर्स फ्लार्स कि आप समझ गए मैं क्या पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो यूनिकनेस पकड़ो आइलैंड किसके लिए फेमस है मीन्स क्या यूनिक है इनका फ्लावर नॉर्थ ईस्ट का क्या यूनिक है बताओ अभी अभी बताया है ग्रासलैंड वुडलैंड वेस्टर्न घाट का बताओ क्या बताया था प्लांट है ना ऐसे ऐसे इसको पकड़ना है आपको तो ये और लास्ट जो, जो जोन है वो है कोस्ट जोन कोस्ट जोन का मतलब ही है सिंपल है जो कोस्ट मीन समुद्र के लगता है जैसे कुछ गुजरात का हिस्सा महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल दूसरी तारीफ वेस्ट ऑफ बंगाल बे ऑफ बंगाल की साइड चले जाओगे तो वेस्ट बंगाल उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ये सारे जो रीजन है ये कोस्टल एरिया को कवर करते हैं और इंडिया का जो कोस्टल जो टोटल लेंथ है इंडिया की अगर हम बात करें ऐसे मीन ईस्टर्न इस घाट और वेस्टर्न घाट को अगर मैं जोड़ दूँ तो टोटल जो कोस्टल लेंथ है वो पाँच हज़ार छः सौ नवासी किलोमीटर टोटल हमारी लेंथ पड़ती है इसमें क्या है जो वाइल्ड लाइफ कोस्टल के आसपास में जो वाइल्ड लाइफ है उसको अगर पांच मेन कम्युनिटीज में हम बांट सकते हैं मैंग्रोव्स ठीक है ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैंग्रोव्स जो वैरायटी है इसमें एस्चूरीज़ डेल्टाज़ मींस नदियाँ क्योंकि सारी या तो नदियाँ ईस्टर्न घाट की ओर गिरेंगी मीन्स बंगाल में नदियाँ गिरती हैं या जो वेस्टर्न साइड में फ़्लो करती हैं अरेबियन सी में गिरेंगी तो मैंग्रोव्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अलावा सेंडी ब्रिचिज़ बीचेस सॉरी ठीक है ये सब वहां पे मौजूद होते हैं मड फ्लैट क्योंकि नदियां जब आती हैं तो अपने साथ मिट्टी गाद ये सब लेके आती हैं रॉक की कोस्ट लाइन भी मिलेगी तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोस्टल एरिया में ये ये चीजें कुछ मेजर कम्युनिटी आपको मिलेगी मैंग्रोव्स की सैंड बीचेस मड फ्लैट्स और रॉक की कोस्टल लाइंस नेक्स्ट है अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या होता है देखो यहाँ पे एक और छोटी चीज आ जाओ ग्रीन नेशन का क्या मतलब होता है ग्रीन नेशन वो नेशन होते हैं जो जिसमें बायोडाइवर्सिटी काफ़ी होती है तो इंडिया भी उन उन नेशंस में आएगा दूसरा जो ग्रीन नेशन से होते हैं उन्हें को हम मेगा डाइवर्स कंट्री भी कह सकते हैं मेगा डाइवर्स कंट्री में क्या होता है मेनली जैसे इंडिया चाइना इंडोनेशिया कोलंबिया मेक्सिको अब ये देख लेंगे तो इंडिया है सबसे मेन चीज़ कि मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में क्या है कि इंडिया भी आता है और मेगा मेगा डाइवर्स का मतलब ये है यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मौजूद है अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी होट स्पॉट की मैं बात कर रहा था तो होट स्पॉट वो एरिया होता है जो रिच इन स्पीसीज में सिंपल से हम बात करें हॉट हॉट क्या तो हॉट स्पॉट मतलब एक वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट प्लांट हैं जो जड़ी बू बु, मीन जड़ी तो नहीं प्लांट हैं स्पीसीज हैं ये सारी जो मौजूद होते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में एक्सट्रीम लेवल पे स्पीसीज़ का मौजूद होना उसी को बोलते हैं हॉट स्पॉट तो हॉट स्पॉट जो है अगर हम बात करें टोटल थर्टी फोर हॉट स्पॉट हैं आप ध्यान रखना पूरे वर्ल्ड में फिर से बोल रहा हूँ अगर आपको आंसर वहाँ पर टिक करना आ जाए तो याद रखना ये रीजन है क्षेत्र मीन्स जो ये मेयर्स जो थे इन्होंने जो बायो और... डाइवर्सिटी की जब स्टडी की तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया अठारह क्षेत्र को लेकिन फिर अलग अलग क्योंकि रीजन है लेकिन उसमें से हॉट स्पॉट मान लो हो सकता है ना एक पर्टिकुलर रीजन है उसमें दो दो या तीन हॉट स्पॉट हो सकते हैं तो इस तरीके से 18 रीजन उन्होंने किए और 18 रीजन को अगर हॉट स्पॉट में अलग अलग बांटें तो 34 ये आपको बिल्कुल याद रख लेना है 34 फोर हॉट स्पॉट एरियाज इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं और एक और चीज़ ये वर्ल्ड कंजर कंजर्वेशन मोनिटरिंग सेंटर है यू का उन्होंने आइडेंटिफाई ट्वेंटी वन हॉट किए थे लेकिन बाद में और ज़्यादा स्टडी हुई तो अभी मीन्स आपको पजल नहीं हो रहा इन चक्करों में अभी बस आप ध्यान रखें करंट में थर्टी फोर हॉटस्पॉट एरिया पूरी दुनिया में मौजूद हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उन थर्टी फोर हॉटस्पॉट एरिया में से चार जो हैं वो क्या हैं इंडिया और उसके नेबर कंट्रीज़ में है मींस इंडिया भी उसमें एक पार्ट आ जाएगा श्रीलंका वाला पार्ट इसके अलावा जैसे मैंने कहा सुंदरवन डेल्टा ठीक है भरमारी ईस्टर्न जो हिमालयन वाला पार्ट है तो आउट ऑफ थर्टी फोर हॉट ऑफ द वर्ल्ड फोर आर फाउंड इन इंडिया मीन्स थर्टी फोर हॉटस्पॉट में से चार इंडिया में ही मौजूद हैं तो वो चार क्या है कि एक तो श्रीलंका मैं जैसे नीचे पढ़ता है आपको पता है तो तमिलनाडु श्रीलंका मीन्स उस उस साइड जो पार्ट है वो एक रीजन है फिर म्यन्मार के लगता भी है, तो हमारा बॉर्डर है ना तो वो पार्ट है इसके अलावा अगर हम बात करें गंगा जो ये वेस्टर्न घाट वाला सॉरी वेस्टर्न घाट जो है तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट गंगा नॉर्थ ईस्टर्न ये इस तरीके से मीनस चार हॉटस्पॉट जो हैं वो एरिया इंडिया में मौजूद हैं आउट ऑफ थर्टी फोर तो ये ये अपने आप में ही दिखाता है कि इंडिया कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिफाइड बायो कंट्री है तो ये आपको इतनी पॉइंट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा देखो कुछ डाटा दे रखा है कि ये थर्टी फोर जो एरिया हैं ये सिर्फ वन पॉइंट फोर परसेंट अर्थ लैंड सरफेस को कवर करते हैं मीनस टोटल जैसे सौ परसेंट अगर हम नापे उस सौ परसेंट में से हॉटस्पॉट ये थर्टी फोर एरिया है इनका अगर हम एरिया जोड़ें तो सिर्फ वन पॉइंट फोर परसेंट है तो ये दिखने में वन पॉइंट फोर है लेकिन इस वन पॉइंट सिर्फ फोर परसेंट के ऊपर ही अगर हम बात करें तो देखो 96% सिक्स परसेंट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट थ्रेटन जो प्रीमेड स्पीसीज वो इसी एरिया में मौजूद हैं ओवरऑल आप इतना समझो जैसे एक तरफ आप क्या कर रहे हो एक तरफ आप कुरकरे और, और समोसे पता नहीं क्या क्या बर्गर बहुत कचरा खा रहे हो आप ठीक है लेकिन क्या वो हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद है बिल्कुल भी नहीं है ना लेकिन एक तरफ आप सैलड खा रहे या फिर जैसे फ्रूट्स खा रहे हो और अच्छी डाइट ले रहे हो तो उस वो बेशक से वो डाइट कम हो लेकिन उसकी जो उपयोगिता है ना वो ज़्यादा है इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम बात करें 34 फोर हॉट को अगर जोड़ दो आप तो सिर्फ 1.4 परसेंट है इसका हिस्सा पूरी अर्थ पृथ्वी पे लेकिन जो अगर हम स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी के रूप में उनकी उपयोगिता के रूप में देखें तो ये ये जो 34 हॉटस्पॉट एरियाज हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसमें चार इंडिया के हैं ये मैं आपको बता चुका लास्ट में है कि इंडिया एक मेगा बायो बायोडावर्सिटी कंट्री है कैसे तो वही है कि 34 ग्लोबल बायो हॉटस्पॉट में से चार तो इंडिया ही मौजूद हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है दूसरा हमारे यहाँ पे करीबन पचास हज़ार प्लान्टीसीज हैं और पाँच हज़ार के करीब जो हमारे यहाँ पे अलग अलग कुछ और जो एनिमल्स और जो अदर वेराइटीज़ हैं वो सब हमारे यहाँ पर मौजूद है थर्टी का वर्ल्ड जो फ्लोरा वो मौजूद है इसके अलावा इंडिया जो है ट्वेंटी सिक्स रिकग्नाइज्ड जो सेंटर्स हैं मीन्स अगर हम सिंपल सी बात करें कि प्लांट के मामले में प्लांट और अदर डाइवर्सिटी भी हमारे यहाँ पे मौजूद है तो ये डाटा आपको याद नहीं रखना है एक तो ये फोर हॉटस्पॉट वाला और कुछ बेसिक चीज़ें कि थर्टी थ्री परसेंट के करीब हमारे यहाँ पे फ्लोरा एंड फ्यूना मीन्स एनिमल और स्पीसीज़ की जो वेराइटी हैं वो मौजूद हैं अब आते हैं कि वैल्य वैल्यूज़ ऑफ़ द बायोडाइवर्सिटी इसकी वैल्यू क्या है मीन्स बायोडाइवर्सिटी की इट्स वेरी सिंपल दोनों ही रूप में है सोसाइटी इंडिविजुअल लेवल पे भी दूसरा अगर हम बात करें कि इसकी जो बायोडाइवर्सिटी को बताने की जरूरत नहीं है अगर सिंपल सी हम समझें कि डायरेक्ट यूज़ भी है इसका बहुत ज़्यादा डायरेक्ट यूज़ कैसे कि फूड टिम्बर वो सब हमें प्रोवाइड होता है ठीक है इसके अलावा इसमें दो डायरेक्ट यूज़ में ही दो हैं जैसे एक्सट्रैक्टिव यूज़ और नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज़ एक्सट्रैक्टिव यूज़ का मतलब होता है वेर रिसोर्सेज आर एक्सट्रैक्टेड एंड कंज्यूम्ड एंड नॉन एक्सट्रैक्टिव यूज़ का मतलब होता है नो एक्सट्रैक्शन एंड रिमूवल ऑफ रिसोर्स सिंपल सी हम बात करें तो जैसे बर्ड uh, वॉचिंग हो गया साइंटिफिक रिसर्च इको सिस्टम ये नॉन एक्सटेटिक यूज़ है मीन्स हम उसको रिमूवल uh, कुछ नहीं कर रहे हैं उस रिसोर्स का जस्ट हम उसको यूज़ कर रहे हैं और एक तरीके से हम उसका फ़ायदा ले रहे हैं लेकिन एक्सट्रैक्टिव यूज़ का मतलब होता है उस रिसोर्स को आप प्रॉपर कंज्यूम कर रहे हो यूज़ कर रहे हो तो, तो डायरेक्ट यूज़ हो गया बायोडावर्सिटी का दूसरा इनडायरेक्ट यूज़ में क्या है इनडायरेक्ट यूज़ में है कि उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी रिलीजन वैल्यूज़ भी है क्योंकि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी जैसे पेड़ पौधे हम उनको पूजते हैं हमारी जो पोएम्स हैं कहानियाँ उन सब में भी इनका जिक्र होता है एथिकल वैल्यूज़ भी है क्योंकि बहुत सारी देखो एक छोटी चीज़ है सिर्फ़ अगर इस पृथ्वी पे ह्यूमन ही रहे तो ये भी तो पॉसिबल नहीं है ना हर एक वैरायटी हर एक स्पीशीज़ हर एक छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अपनी इंपोर्टेंस है उन सभी को प्रिजर्व करना होगा सभी का सर्वाइवल जरूरी है तभी अर्थ पे हम भी सस्टेन कर पाएंगे अदरवाइज तो ह्यूमन भी एक दिन खत्म हो जाएगा तो उस रूप से इसकी एथिकल वैल्यू भी है रिलीजन वैल्यू है कल्चरल वैल्यू है साइंटिफिक उसकी वैल्यू है ये सारी इनडायरेक्ट यूज ऑफ वैल्यूज़ में है और बस यही सब है फ्रेंड्स तो ये आप देख लेंगे और ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आपको ध्यान रखना है ठीक है आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सो थैंक यू सो मच खूब सारी मेहनत करें फ्रेंड्स और गिव अप कभी मत करें हमेशा बड़े सपने देखें और मेहनत के पीछे अपना मीन्स लगे रहें बस आप हार्ड वर्क करते रहें ठीक है गुड लक फ्रेंड्स